अभी देश में तमिलनाडु प्रथम है अभी मुफ्त देने में। हर स्टेट में अभी सरकार का स्कूल्स सही नहीं चल रहे, सरकार का दवाखाना नहीं चल रहे, अभी स्वच्छता भी नहीं है इसमें देश में। एक आदमी को 5 लाख देने प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बदले हम गवर्नमेंट के 5 लाख के हिसाब से एक अच्छा इक्विपमेंट और वो दे दो तो उधर सारा आदमी को मिल जाते हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो सरकार जिस तरीके से अभी हाल ही में बजट पेश हुआ केंद्र सरकार का, तकरीबन 47 करोड़ के आसपास का ये बजट पेश हुआ है, लेकिन इसके बाद अभी देखा जाए तो हाल ही में जिस तरीके से सदन के अंदर ये चर्चा हो रही थी कि अर्थव्यवस्था को तीसरी पैदांग पर ले जाना है, लेकिन इस बीच आज भी सरकार से सवाल खड़े करने के लिए तमाम लोग हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सरकार इतना बेहतर काम कर रही है तो आज भी शिक्षा व्यवस्था से लेकर के तमाम मुद्दों को क्यों उठाया जा रहा है। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं आपको बता दें। आप जो मेरे साथ देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है, ये जो लड़का है, कहा जाए तो ये हैदराबाद से चल करके आ रहा है और ये साइकिल से, ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि इस पूरी साइकिल को एक बार दिखाएं। ये साइकिल जो है जिसका एजेंडा है चलो दिल्ली, और ये तकरीबन अब कितने दिन से चल करके आ रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, ये जानने का विषय है। तो अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इनके जहन में और ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार अपने कामों को बेहतर नहीं कर पा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम करुणाकर है, मैं करीमनगर तेलंगाना से आया। तेलंगाना से आप आए हुए हैं? हाँ, तेलंगाना से। तो ये साइकिल से आने का क्यों सोचा आपने? अभी हर आदमी ने व्हाट्सएप और स्टेट फेसबुक ट्विटर में हमारे को अनावश्यक मुफ्त नहीं चाहिए, शिक्षा और इलाज होना बोल के स्टेटस ही डालते। मैं तो हर आदमी को मालूम पड़ना है, अभी ये आवाज पीएम तक जाना है, सीएम तक जाना है, हर स्टेट में मालूम करना है, इसके लिए मैं हैदराबाद से इधर तक ये साइकिल पे आया। अच्छा, तो इसलिए आप जो है साइकिल से यहाँ पर आए। मैं आपका ये बैनर पढ़ पा रही हूँ, इसमें लिखा है चलो दिल्ली, ये अनावश्यक मुफ्त चीज़ें नहीं चाहिए। तो क्या लग रहा है कौन सी सरकार ऐसी मुफ्त चीज़ें दे रही है? हर सरकार ने अभी मुफ्त का हवा तो चल रहे, अभी असेंबली वो पार्लियामेंट वो इलेक्शन चलते ना, उसमें सत्ता में आने के लिए अभी अनावश्यक का मुफ्त उठा रहे। वो सत्ता में आने के बाद वो अभी लोगों को देने के लिए बाहर से वर्ल्ड बैंक से ऋण ले रहे, उसके हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन खराब हो जाता, उसके लिए ये अनावश्यक मुफ्त हमारे को नहीं चाहिए। अब मालूम है तमिलनाडु युवा जो है वो ये चाह रहा है कि हमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें केवल जो है सुविधाएं चाहिए लेकिन मुफ्त की नहीं चाहिए। हाँ वही सर, अभी हमको मालूम है अभी तमिलनाडु, अभी देश में तमिलनाडु प्रथम है अभी मुफ्त देने में, और राजस्थान भी थी, अभी तमिलनाडु में ऐसे हो के करंट का वो खराब हो। तमिलनाडु गवर्नमेंट से ही आपकी दरख्वास्त है या तमाम जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे भी आप ये चाह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टी दल से आप चाह रहे हैं? हर स्टेट का यही है, हर स्टेट में यही चल रहे हैं, हर स्टेट में अभी सरकार का स्कूल्स सही नहीं चल रहे, सरकार का दवाखाना नहीं चल रहे, अभी स्वच्छता भी नहीं है इसमें देश में। मेरा एक अकेले के नहीं है, हर एक प्रांत का भी नहीं है, एक मत का रिलीजन का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, हर आदमी का थी, हर स्टेट का यही है, उसके लिए तो मैं यही आवाज़ उठाया। तो क्या लगता है कि एक अकेला व्यक्ति ये सारी चीज़ों की आवाज़ उठा रहा है तो सरकार तक पहुंचेगी? क्या वाकई आपके साथ लोग जुड़ेंगे आपके इस मुहिम में कि मुफ्त की जो रेवड़ी है वो बंद हो जाए? अभी ऐसे सोचे तो हमारे को स्वतंत्र भी नहीं आता, अभी अकेले कभी भी हम ऐसे ही सोचते हैं, हम नहीं तो कौन लड़ेगा, कोई ना कोई आगे तो आके लड़ना पड़ता है, उसके लिए तो मैं तो आवाज़ उठा है। ये मेरा मन है, हर आदमी का मन है, ये हर आदमी का इच्छा यही था, फिर बाहर तो नहीं आ रहे, आवाज़ तो उठना है ना, उसके लिए मैं आवाज़ उठा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कोई ऐसा पार्टी दल का नेता है जो वाकई मुफ्त का काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि चीज़ों को जो है सुविधाएं देनी चाहिए?
अभी पार्टी ने सपोर्ट करता नहीं करता वो लोगों को ऊपर ही चलता है, क्योंकि हमें पार्टी को सत्ता में ले आने के लिए हम वोट देना पड़ता है। हम सब मिलके एक ही मैं उसके ऊपर लड़े तो कोई सरकार देना पड़ता। इस मुहिम में आपके साथ लोग जुड़ेंगे? डेफिनेटली जुड़ेंगे, क्योंकि हर आदमी को आज नहीं तो कल मालूम पड़ता है ये मुफ्त चीज़ नहीं चाहिए, हमारे को शिक्षा और इलाज ही होना है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और इलाज में खर्च कर पाते हैं और बाकी का उतना खर्चा नहीं होता है। लेकिन अगर इलाज की बात करें, इलाज में अगर सरकार की तरफ से मुफ्त कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो ये तो बेनिफिट की चीज़ें हैं ना, इसमें आप क्यों देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें? अभी बोला सही, आयुष्मान का कार्ड है, अभी उसके ऊपर 5 लाख और 2 लाख का दे देते हैं। वो किधर जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके हम दिखाना पड़ता, वो 5 लाख और 2 लाख को प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ता है। एक आदमी को 5 लाख देने प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बदले हम गवर्नमेंट के 5 लाख के हिसाब से एक अच्छा इक्विपमेंट और वो दे दो तो उधर सारा आदमी को मिल जाते हैं ना। 5 लाख के हिसाब से आप अकेले के लिए सोच ले, मैं पूरा वो कॉन्स्टिटेंसी के रोजगार को देख करके देख रहे हैं, कुछ हो रहा है रोजगार को? अभी रोजगार तो नहीं है, वो भी आना है, अभी हर आदमी को रोजगार भी मिलना है। देखिए, आज के समय अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन सवाल जो है लगातार सरकार से बना होता है, क्योंकि आज के समय चुनाव के मद्देनज़र देखा जाए तो फ्री की रेवड़ियां हर पार्टी दल की तरफ से दी जाती है, चाहे वो मुफ्त राशन की हो, चाहे वो मुफ्त शिक्षा की हो, मुफ्त बिजली की हो, ऐसी तमाम स्कीमें निकाली जाती हैं, लेकिन इसका विरोध भी आज कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हो रहा है। हैदराबाद से 26 दिन के भीतर यहाँ पहुँचे और यहाँ पर आज जंतर मंतर पर मौजूद हो करके ये बात कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ आस्था तिवारी।